लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ा एक आ, अग्रेसिव की है। हाँ ये जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है भारतीय नौसेना के तीन जहाज चीन के नाक के नीचे तैनात नौसेना का पूर्वी बेड़ा भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया रीच्ड द साउथ चाइना सी और इंडिया ने

एक फ्लीट टैंकर है आई शक्ति और सब हंटर आई एन एस किल्तन जो हैं वो है वो सिंगापुर के करीब पहुंचे और चाइना से अगली लड़ाई जो होगी अगर खुल के ओपन लड़ाई होती है तो ये समुद्रों में भी होगी एक तरफ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत और चीन के मामला जो हैं वो तय नहीं हो रहे लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ा एक अग्रेसिव पॉस्टरिंग की है और इंडिया ने कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डिस्पैच कर दिए हैं साउथ चाइना सी में अब ये इसका मतलब क्या है कि एक तरफ तो इंडिया अपनी जो इंडिया जो है वो अपने शिप्स बेच रहा है वहां पे एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहा है फिलिपाइंस को मिसाइल बेच रहा है इंडियन ओशन रीजन में अपनी Uh, को सिक्योरिटी की बात कर रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता है अपने आप को और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो ये जो एक पूरे का पूरा जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं जिसे आईएनएस दिल्ली कहा जाता है एक फ्लीट टैंकर है आईएनएस शक्ति और सबमरीन हंटर आईएनएस एन किल्तन जो है वो सिंगापुर के करीब पहुंचे हैं सिंगापुर पहुंचे हैं बल्कि और बेसिकली वो क्या ये रहे थे हम जी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन सिंगापुर के साथ कर रहे हैं और इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन भी यही बातें कर रहे हैं लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि जो आई एन एस है वो बेसिकली जो सब मेरीन हंटर है डेट रीच टू दियतनाम और वहाँ पे वो बारह मई को पहुँचे और जॉइंट मेरी टाइम भी की वियतनाम की आर्मी के साथ आप देखें कितने बड़े पैमाने पे इंडिया बेसिकली अपने आप को आ, वो प्रेजेंट कर रहा है अच्छा मज़े की बात देखें ये खिता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी भी फ्रांस भी अमेरिका भी बरतानिया भी तमाम जो हैं वो इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहते हैं फॉर अ वन वर्ड दे कॉल एज ए रूल्स बेस्ड ऑर्डर इसकी बात कर रहे हैं लेकिन इंडिया को क्या मसला है इंडिया क्यों बेच रहा है अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है और कहा जा रहा है बेसिकली रिमाइंडर्स टू चाइना कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड एंड मेरी लॉ की रिस्पेक्ट करें अगर आप मैरीटाइम टाइम लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते सो so, इंडिया कह रहा है चाइना को कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तो आप लगे हुए हो और मुसलसल जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डाला हुआ है खत्ते किस को और एक तरफ आप ये कर रहे हो दूसरी तरफ आप एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हॉगकोंग को देखें वियतनाम को देखें फिलिपाइन को देखें आ, और तो यहाँ से आ, एक जिसे वो कहते हैं ना एक चैलेंज आ रहा है कॉन्टीन्यूसली चैलेंज आ रहा है खिते के तमाम ममालिक को और उसमें जैसे मैंने बताया कि ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी फिलिपाइन इंडोनेशिया मलेशिया ये सारे के सारे जो ममालिक हैं आर इन बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ चाइना इंडिया अपने आप को एक एग्रेसिव पोस्रिंग करना चाहता है इस खत्ते में और लेकिन एक चीज़ है एक प्रॉब्लम है कि इंडिया जब बात करेगा रूल्स बेस्ड ऑर्डर की इंडिया जब बात करेगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करें मेरी लॉ की रिस्पेक्ट करें तो उतनी आवाज़ नहीं बनेगी जब इंडिया के साथ बाकी ममालिक भी मिल जाएंगे तो फिर वो सारी के सारे एक प्रॉपर जिसे कहेंगे ना एक आवाज़ आएगी चाइना और इंडिया जो है वो एक तरफ अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं राइवलरी उनकी बढ़ रही है अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना को एल के ऊपर इंगेज किया जाए या एल के ऊपर इंगेज हो जाए ताकि इंडिया ज्यादा इनसिक्योर फील करे एंड अमेरिका के पास रहे इंडियंस चाहते हैं है कि हम इस खत्ते से जंग को बाहर निकाल दें हम यहाँ से निकले और साउथ चाइना सी की तरफ चले जाए हम यहाँ से निकल जाए और ईस्ट चाइना की सी, सी की तरफ निकल जाए हम यहाँ से निकले और ताइवान की तरफ निकल जाए एक वक्त में आ, सारे के सारे ममालिक से या नेबर से लड़ना पड़े तो क्या चाइना लड़ सकता है नहीं लड़ सकता भाई चाइना चाइना जो है उसके लिए बड़ी मुश्किल हैं वाटर कैनन्स अगर मारते हैं आप फिलिपाइन की शिप्स के ऊपर तो चाइना के लिए मसले पैदा होंगे ठीक है बहरहाल इसमें भी बात करते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडियन और चाइनीज जो नेवीज़ हैं उनका अब मुजन किया जाने किया जा रहा है मिसाल के तौर पर दोनों ममालिक जो हैं दे हैव एयरक्राफ्ट कैरियर और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो फ्लीट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं चाइना ने एक नया फूजॉन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आ, उसको रिसेंटली इसी जनवरी में लॉन्च किया था ठीक है जी और इसी तरह देखें कि आ, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी अपने नेवल कर, पार को बड़ा फोकस कर रहा है पाकिस्तान ना तो अपनी नेवल कैपेसिटी पे उस तरह फोकस कर रहा है आ, शायद हमारी एक बड़ी फौज रही है और हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उस लेंस में सोचना या उस फ्रेमवर्क में सोचना आ, आ, तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है दूसरा अगर हम ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि चाइनीज़ जो उनका सौ साठ पचास साथ डिफेंस बहुत डिफेंस है अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर जो एक तो रशिया मेड है आई एन एस विक्रमद और दूसरा जो है आई एन एस विक्रम जो कि इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके साथ उन्होंने अच्छा बला जिसे कहते हैं नाशन वगैरह लेके तो किया हुआ है भेजा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आ, और चाइना जो है वो इधर मॉल में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं चाइना बांग्लादेश के भी करीब हो रहा है चाइना श्रीलंका के भी करीब है चाइना पाकिस्तान के भी करीब है सो समवेयर चाइनीज चाहते हैं कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके जो ताल्लुक उनसे जो दोस्तियाँ इस खत्ते में करें ताकि इंडिया को थोड़ा अकेला महसूस कराया जाए इंडिया चाहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीज़ें हटा के साउथ चाइना सी की तरफ की जाए ठीक है जी आ, सो मैं इसलिए समझता हूं कि इंडिया की जो बेसिक नेवल स्ट्रेटजी कहा जा रही है आ, कि वो अपना जो नेवल कैरियर कर, है वो बे ऑफ बंगाल में लाना चाहते हैं ठीक है जी एक इधर लेके आना चाहते हैं और एक अरेबियन सी में लेके जाना चाहते हैं ये कहा जा रहा है कि चाइना की बेसिक नेवल स्ट्रैटेजी सॉरी इंडिया की बेसिक नेवल स्ट्रैटेजी है अब अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर वहां अप्रोच करता है आ, तो इसमें समझ लें कि ये एक 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 प्रॉब्लम होगी और दोनों ममालिक जो हैं वो नेवी पे अच्छा भला पैसा लगा रहे हैं और सबको यही पता है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन ओशन रीजन में कौन डोमिनेट करेगा ये चीज़ है इंडिया की जो स्ट्रेटजिक आउटलुक है वो पाकिस्तान से हट के अब चाइना की तरफ आ गई है पहले ये थी कि पाकिस्तान पे वो फोकस किए हुए थे अब वो चाइना पे फोकस करते हैं अब वो इंडियन ओशन रीजन पे फोकस करते हैं